21वां मिस डीवा यूनिवर्स 2017 का फाइनल राउंड और इस इवेंट में दी बॉलीवुड के कई स्टार्स ने अपनी प्रेजेंस। और इस मौके पर इन सभी मिस डीवा कंटेस्टेंट्स को ग्रूम करने वाली मिस यूनिवर्स एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता दिखी बेहद एक्साइटेड, बट साथ ही उन्होंने खोला राज अपने इस ब्यूटीफुल अटायर का, जो किससे इंस्पायर्ड था, चलिए उन्हीं से जानते हैं। I'm dressed in a tribute tonight to all the women in defense. This contest has always been about women's empowerment and I'm wearing a custom-made Shantanu and Nikhil tonight. It's a tribute to Nirmala ji, who's our women defense minister, to all the women who will soon be in combat, to the three women fighter pilots that we have in the armed forces, and I'm very, very excited. मलाइका अरोड़ा खान भी अपने सेक्सी अटायर में लग रही थी एक्सट्रीमली सेंसुअस, जो पहुंची थी इस इवेंट को सपोर्ट करने। राजकुमार राव वाज आल्सो इन द लिस्ट ऑफ जूरी, बट उनके ख्याल में रियल ब्यूटी क्या है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। ब्यूटी इज नॉट ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी, फॉर मी इट्स इंटरनल ब्यूटी व्हिच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड इट्स समबडी हु इज कंपैशनेट, समबडी हु इज हु थिंक्स फॉर द सोसाइटी एज़ वेल, एंड ऑफ कोर्स इट्स फॉर मी इट्स ब्यूटी अलोंग विद ब्रेन्स। इनके अलावा बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी इस इवेंट की शोभा बढ़ाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ पर भी एक बायोपिक बनने वाली है। अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हमारी बायोपिक बहुत जल्दी बनेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज आई हैव लाइक बहुत सारी चीजें करनी बाकी है अभी लाइफ में, सो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जरूर बनेगी। मिस डीवा यूनिवर्स का ये इवेंट रहा बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री के ब्यूटीफुल सेलेब्स के नाम, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस से इस इवेंट में चार चांद लगा दिए।